नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के बरेली में करणी सैनिकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में चक्का जाम, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह रोगामेली की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद से राजस्थान ही नहीं देश के हर प्रदेश के राजपूत समाज में आक्रोश है। हत्या के विरोध में आज रायसेन जिले के बरेली तहसील में करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राजपूत के नेतृत्व में करणी सैनिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और तहसील परिसर के सामने मुख्य सड़क पर बैठकर चक्का जाम भी किया। इस पूरे मामले में लगभग एक घंटे तक करणी सैनिकों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मम हत्या के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की शासन प्रशासन से मांग की। इस संबंध में करणी सैनिकों ने बरेली तहसीलदार रामजीलाल वर्मा को एक आवेदन भी दिया, जो महामहिम राज्यपाल के नाम लिखा गया है। पुलिस प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में बरेली थाना प्रभारी सहित सभी पदाधिकारियों द्वारा समझाइश दी गई और आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। रायसेन संवाददाता ब्रिजेश ठाकुर की रिपोर्ट। जो करणी सेना के जो अध्यक्ष थे, उनका जो कि हत्या कर दी गई है, उनकी मांग मूल रूप से जो मांग थी कि उनको जो है सजा दी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, दोषियों को सजा दी जाए। उन्होंने इस संबंध में एक अपना ज्ञापन भी दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से, और एक हमारे माननीय गृह मंत्री जी के नाम से दिया है। वो हम ज्ञापन उनको कैसे किस मामले को कल जयपुर में जो एक करणी सेना के प्रमुख की हत्या हुई, उसके विरोध में ये ज्ञापन देने करणी सेना के बरेली के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ आए थे, और तहसील कार्यालय के सामने उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने के दौरान सड़क पर खड़े रहे। उस दौरान उन्होंने ज्ञापन दिया। इसी तरह का चक्का जाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने डायवर्शन पहले से ही कर लिया था, क्योंकि 15 मिनट ज्ञापन देने में लगे, उस दौरान ट्रैफिक बाधित रहा है। बाकी ज्ञापन दे दिया गया है।